पैन फ्राइड फिश। फ्राइड फिश है जिसका मसाला आपको रेसिपी कार्ड चलेगा, तो फ्राइड फिश का एक मसाला है, ये तैयार करके रख लें जब भी मछली बनाएं। तो सबसे पहले आ जाएंगे चिली पाउडर, ये आ गया एक खाने का चम्मच। ये सारा मसाला पिसेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रहा हूँ। हल्दी डेढ़ चाय का चम्मच, ये आ गया एक किलो मछली का मसाला है। अजवाइन दो खाने के चम्मच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ये या तो आप इसको पीस दें साथ में या इसको साबुत डाल दें, अप टू यू। मैं इसको एज इट इज़ इसमें डाल दूँगा। ज़ीरा दो खाने के चम्मच, ये आ गया। साथ में धनिया तीन खाने के चम्मच, ये आ गया। और टाटरी इसमें इस्तेमाल हो रही, आधा टी स्पून ही डालिएगा। थोड़ी ज़्यादा डल गई तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ी, आधा टी स्पून काफ़ी है बस। अच्छा, साथ में इसमें नमक डल रहा है एक चाय का चम्मच, ये आ गया नमक। और इसके बाद इसमें काला नमक भी डल रहा है, इसका भी अपना जायका है और ये भी मस्त डलेगा। सो दोनों नमक एक साथ डालेंगे, एक एक चाय का चम्मच। चाइनीज सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं अप टू यू, अदरवाइज ज़रूरी नहीं। इन मछलियों का फ़ायदा, इस मछली का फ़ायदा ये, इस तरह की और भी जो हमारे समंदर में होती है, इसमें कांटे नहीं है, इसमें मेन सेंटर की कंघी जिसको बोलते हैं, बाकी बिल्कुल नीट क्लीन मीट है, तो उसको खाना बड़ा आसान है। ये मसाला मारोगे तैयार, रेसिपी कार्ड में देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लें, सीज़न है अभी मछली खाने का, तो ये मसाला आपको बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। इसको पीस रहे हैं, इसको अच्छी तरह से बिल्कुल जितना पाउडर पीस सके। मसाले का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको आपने खूब अच्छी तरीके से बिल्कुल पाउडर करना है। इसको भी हम पीसते जाएंगे। ये हो गया हमारा मछली मसाला तैयार, और ये यहाँ पे आ गया एक किलो मछली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी इस्तेमाल कर लें आप। और सबसे पहले इसमें हमने मछली मसाला लगाना है, और ये मछली मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है इसको। साथ में ये ना भूलिएगा अजवाइन, अजवाइन का मछली के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसकी एक मैदे की कोटिंग आएगी जिसमें हम अंडा भी शामिल करेंगे, और फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे। पैन फ्राई का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी नहीं हो जाएगी, अदरवाइज़ डीप फ्राइड मछली हमें, आपको पता है कि हमेशा ही वही खाते रहे। ये रेसिपी भी आप डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा है कि इसको आप पैन फ्राई ही कीजिएगा, इसका ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। तो इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मसाले में, मछली भी हमने सिंपली शामिल कर देना है, मछली मसाला बना दिया था। अब दो अदद अंडे इसमें आ जाएंगे, ये आ गए दो अदद अंडे, थोड़ा सा मैदा, और इसको हमने कोट करना है। मैदे को बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना है ताकि ओवर कोटिंग ना हो जाए। और मैं एक पैन रख रहा हूँ, इसमें हमने इसको पैन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं, जिसको हम पैन फ्राइंग, जिसको थोड़ा सा ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ कप। पैन फ्राई का मतलब है बिल्कुल थोड़ा ऑयल, जितना भी आपको नज़र आ रहा है उतना। और मैदा भी कोटिंग हमने कम यूज़ की है, उसकी वजह, अगर जितना मैदे की कोटिंग थिक होगी, एक तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, दूसरा जितना मैदा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इसको बहुत नहीं पकाना है, मछली का कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट मैक्सिमम है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये और कुक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे यहाँ, तो मछली को भी हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। और ये आज की हमारी फ्राइड फिश भी तैयार हो गई। पैन फ्राइड फिश। अच्छा, फिश स्लाइस 1 किलो, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, फिश मसाले के लिए चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1.5 चाय का चम्मच, अजवाइन 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा क्रश 2 खाने के चम्मच, धनिया 3 खाने के चम्मच, टाटरी 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चम्मच।